नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस वक्त की एक अहम खबर का हम रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक हीराबा की हालत स्थिर है और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हीराबा अब ठीक है, उनकी हालत स्थिर है, अस्पताल में भर्ती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां। भूपेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र, हीराबा की तबीयत अब कैसी है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें हीराबा की तबीयत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने एक प्रेस नोट के जरिए ये कहा है कि हीराबा स्टेबल है, आज सुबह उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जो बाई तरफ आप देख रही हैं, ये यूएन मेहता अस्पताल है, अहमदाबाद का सिविल अस्पताल का प्रमाइसिस है और उसके अंदर ये यूएन मेहता कार्डियक ट्रीटमेंट का अस्पताल है और यहाँ पर सुबह जो है हीराबा को लाया गया। फिलहाल कुछ देर पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री और इसके अलावा सीआर पाटिल जो है वो पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हीराबा की तबीयत को लेकर हालांकि उनका रूटीन चेकअप यहाँ पर अक्सर होता था, लेकिन आज सुबह उनको भर्ती कराया गया और उसके बाद अब चूंकि डॉक्टरों का जो कहना है उसके मुताबिक हीराबा की तबीयत जो है वो स्थिर है, वो स्टेबल बताई जा रही है। जी, तो सीएम पहुंचे हुए हैं और रूटीन चेकअप के लिए हीराबा अक्सर यहीं पर आती हैं। सुबह थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की हालत अभी स्थिर है। तो ये खबर आपके सामने, डॉक्टर कह रहे हैं हीराबा अब ठीक हैं पहले से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।